इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने जो भी बताया था, मैंने बताया था कि गलती हो गई थी मुझसे, तो उस गलती को मैंने सुधारा है पिछले वीडियो में। तो उस पिछले वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, और तभी इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखना है तो इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे कोई संकोच नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को मुझे जानकारी दे देने दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त, मैं हूँ आपका टीचर आदित्य राज, और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ। और मैं मतलब कुछ भी और भी सब्जेक्ट मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, एक ही सब्जेक्ट हैंडल कर पाऊंगा, तो मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ क्लास 8 का, और अगले साल से 9th का पढ़ाऊंगा, और अगले साल से 10th का पढ़ाऊंगा। और मेरे चैनल का नाम है साइंस दिलवाले। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पुराने भी हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि द माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो पढ़ते हैं माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में। जैसा कि जैसे कि हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक ब्लू व्हेल, एलिफेंट, तो ये हमारे लार्ज पार्टिकल्स है। और टीनी पार्टिकल्स में हमारे आते हैं जैसा कि चींटी आते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे रहते हैं, तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ती है। तो जानते हैं पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानते हैं, जैसे कि अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हमारा हो गया माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोलॉजिस्ट होता है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, और द ऑर्गेनिजम्स माइक्रोबायोलॉजिस्ट में आता है, जैसे कि द साइंटिस्ट डीलिंग विद द अदर पर्सन, जैसे कि कुछ होता है माइक्रोबायोलॉजी में मैंने जो बताया आप लोगों को, और जैसे माइक्रो द साइंटिस्ट दैट डीलिंग अदर डीलिंग दैट देम आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उतना याद नहीं है, थोड़ा घबरा गया हूँ। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन ह्यूमन। जैसे कि जानते हैं कि देखिए हमारी बॉडी में मान लीजिए कि कुछ एंट्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हमारे बॉडी में एंटर कैसे करेंगे? तो जो हमारे बॉडी में एंटर हो सकते हैं नोज से, माउथ से, या स्किन से विद कॉन्टैक्ट। तो ये सारे जो हैं जगह हैं जहां माइक्रोब्स की एंट्री हो सकती है। आइए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं देखना कि कौन से माइक्रोब्स कौन से डिजीज कॉज करता है, और साथ में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इनका ट्रांसमिशन भी। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं पहले कि डिजीजेस, यहाँ पर मैंने लिख दिया डिजीजेस, तो यहाँ पर मैंने डिजीज लिख दिया। अब साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे माइक्रोब की, और जैसे कि हम लोग ने बात की इनका ट्रांसमिशन। अगर हम लोग स्टार्ट करें सबसे पहले देखना, तो हम लोग देखेंगे कि जो कि होंगे किससे, पहले माइक्रो मैं लिख देता हूं, और वो डिजीज किससे होंगे, वायरस। अब सबसे पहले हम लोग वायरस देखेंगे कि वायरस कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं। तो वायरस पे आते हैं, तो वायरस इसमें आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले डिजीजेस हम लोग बोलेंगे चिकन पॉक्स, क्या नाम है इसका, इस चिकन पॉक्स कॉज होती है वायरस से, जानते ही होंगे। और हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांसमिट होती है विद द हेल्प ऑफ एयर और कॉन्टैक्ट विथ अदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस हो सकता है, चिकन पॉक्स इसको कहा जाता है।
या फिर एयर में जो इनएक्टिव वायरस होते हैं जो घूमते रहते हैं, जब वो बॉडी में इंटर करते हैं तो वो मतलब ये कॉज करते हैं चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स के कॉमन सिम्टम्स में हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें ढेर सारे रेड कलर के पिंपल्स मिल जाते हैं कुछ ऐसे। तो ये ऑटो मतलब ये सब एक डिजीज है। तो मतलब ये हमारा ठीक होता है, वैक्सीन से भी ठीक होता है, और एक दवा आता है जिसका नाम होता है कि वेरोलिनियम दवा का नाम है उस, तो इससे ठीक हो सकता है, वैक्सीन से भी ठीक सकता है। अब सेकेंड हम लोग जैसे कि यहाँ पर हम लोग मीजल्स देखते हैं। मीजल्स क्या है, मीजल्स के बारे में जानते हैं कुछ। मीजल्स होते हैं जिसमें रेड रैसेस नजर आएंगे और उसमें अक्सर पाए जाते हैं, वो बच्चों में अक्सर पाए जाते हैं, और इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी सेम तरीके से होता है। और राइट, नेक्स्ट टू दिस इस कॉमन कोल्ड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जिन्हें हम लोग जुकाम भी कहते हैं, और यहाँ पर हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स कैसे होंगे, तो इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। फाइनली इनका जो भी ट्रांसमिशन होता है वो मतलब डिजीज का होता है, और ये अक्सर मतलब एयर की मदद से होते हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की मदद से होते हैं। और नेक्स्ट टू दिस यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पोलियो की। पोलियो के बाद हम लोग पोलियो के बाद हम लोग और भी डिजीज की बात कर सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी अलावा उस देखेंगे हम लोग जॉन्डिस। जॉन्डिस भी आप लोग नाम सुना होगा, जॉन्डिस। राइट, हम लोग ये कुछ नंबर ऑफ डिजीज देखे हैं जो कि कॉज होते हैं वायरस से। तो ये सब इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं हमारे अगले माइक्रोब की, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे हमारा बैक्टीरिया। तो ये सब तो हम लोग जान गए, इस सब का ट्रांसमिशन एक ही है, इन सब का ट्रांसमिशन एक ही है पांचों का। और भी बहुत सारे वायरस मतलब डिजीज होते हैं वायरस में। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगले माइक्रोब की, जो कि हमारा है बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया भी बहुत सारे डिजीज कॉज करता है, जिनमें से कुछ डिजीज पे ध्यान देंगे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसा डिजीज है, तो जान लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस। अब ये भी बैक्टीरिया के डिजीज होते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस में अक्सर आप लोग देखे हैं कि ये पाया जाता है लंग्स की बीमारी में। यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नोज के थ्रू इंटर करता है, तो कॉज करता है लंग का ट्यूबरक्लोसिस। इनका ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो ये ट्रांसमिट होगा एयर की मदद से। ये भी हमारा एयर की मदद से होगा। नेक्स्ट टू दिस हम लोग यहाँ पर देखे हैं टेटनस। टेटनस तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जैसे कोई कहता है टेटनस का सुई दिलवाओ, तो ऐसे होता है। टेटनस डिजीजस है बैक्टीरिया, तो ये ओपन वॉन्ड्स का होता है। अगर इनका ट्रांसमिशन ओपन वॉन्ड्स, अगर वॉन्ड्स ओपन रह जाते हैं, अगर वॉन्ड्स मतलब हो जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर केयर नहीं की जा सकती, तो यहाँ पर हम लोग टेटनस की डिजीज देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगला कॉलेरा। कॉलेरा कैसे होगा, कॉलेरा होगा हमारा ड्यू टू बैक्टीरिया। और कॉलेरा हमारा ड्यू टू बैक्टीरिया में होता है, डिजीज है, तो इनका ट्रांसमिनेशन है डी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर कंटेमिनेट फूड और वाटर का कंजम्पशन किया जा सकता है, तो ये हमारे हो जाएंगे कॉलेरा।
जान गए इसके कॉलरा डिजीज है, इनमें ट्रांसमिशन है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग कुछ और डिजीज देख सकते हैं, हम कुछ एक और डिजीज देख सकते हैं जिनका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये लेप्टोस्पायरस डिजीज हो गया, तो ये इनका ट्रांसमिनेशन देखेंगे, ट्रांसमिशन की ट्रांसमिनेट विथ यूराइन यूरिन। अगर कोई पर्सन कॉन्टेक्ट में आता है यूरिन की ऑफ रैट, रैट जानते हैं चूहा, और एंड स्क्वायरल, जैसे कि रैट मतलब चूहा होता है, स्क्वायरल भी एक होता है, गोलो रहता है, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है नहीं पता, स्क्वायरल, रैट और स्क्वायरल। हम लोग यहाँ पर देख लिया ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कॉलेरा, लेप्टोस्पायरोसिस। नेक्स्ट टू दिस हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिजीज कॉज्ड बाय फंगी। मैं तो फंगी कहता हूँ, ऐसे तो फंजी फंजाइन कहा जाता है, फंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं एथलीट फूड, इसका ट्रांसमिनेशन है, ट्रांसमिशन एथलीट फूड में आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये फैलता है हमारा ड्यू टू स्पोर्ट्स, ये फैलता है ड्यू टू स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स प्रेजेंट होंगे इसमें फूड और पानी में, फूड और पानी में, और इसका कंजप्शन कर लिया जाए तो यहाँ पर हो सकता है एथलीट्स फूड, जो कि होता है फंजाई की वजह से। और लास्ट में हम लोगों ने देखना है, हम लोग को देखना है प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में आप लोग देखेंगे कि ये कॉज करते हैं बहुत कॉमन डिजीज, जैसे कि हम लोग जानते हैं मलेरिया, ये हमारा मलेरिया, यही यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। इस लाइन खींच देता हूं, समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा प्रोटोजोआ है, जो जिसका डिजीज है मलेरिया, मलेरिया। अब मलेरिया का ट्रांसमिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, और ये जो वेक्टर है ये कौन सा है, दिस इज द फीमेल एंड मॉस्किटोज। ऑल राइट, हम लोगों ने ढेर सारे डिजीज के देखा, जैसे कि हम लोगों ने वायरसेस कॉज देखे हैं, और चिकन पॉक्स होते हैं, हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, एंड मेनी मोर डिजीज होता है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बैक्टीरियाज को, जिनमें आता है ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कोलेरा, लेप्टोस्पायरोसिस, फंजी, एथलीट्स फुट, मतलब ये सब एथलीट्स फुट तो इसमें आता है। और इनके अलावा कई सारे डिजीज होते हैं जिनमें वायरस और बैक्टीरिया से होता है। और नेक्स्ट टू फंजाई कॉज करता है एथलीट्स फुट, और प्रोटोजोआ मतलब डिजीज होता है मलेरिया, जिसमें ट्रांसमिशन होते हैं वेक्टर, और बहुत सारे डिजीज होते हैं जिनका ट्रांसमिशन भी होता है, और ये माइक्रोब से ही होते हैं। अब सवाल आता है कि इन डिजीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो अगर इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ध्यान से देखें, और सबसे पहले चीज आप लोग देखेंगे कि सैनिटरी कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सैनिटरी कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कभी हम लोग ओपन में फिजेस नहीं रिलीज करने चाहिए। और नेक्स्ट टू दिस आप लोग देखेंगे कि जो फूड एंड वाटर है उनका कंजप्शन हमारा क्लीन होना चाहिए, जानते हैं साफ सुथरा फूड और वाटर, क्लीन वाटर और क्लीन फूड ही हम लोग को कंजप्शन करना चाहिए। और साथ ही जो कॉज होते हैं इनके और उनके जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो हमें आइसोलेशन में सेफ रखना चाहिए, जस्ट लाइक कोरोना वायरस हो जाता है तो उसमें आइसोलेशन में रखा जाता है। तो हम लोग सब फूड क्लीन रखेंगे और फ्रेश वाटर रखेंगे, और साथ ही साथ अच्छी सैनिटरी को भी मेंटेन करेंगे, तो भी हम लोग डिजीज का प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन ह्यूमन। तो कैसा लगा हमारा चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।